हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुंडली के 12 भाव किस किस काम के लिए यूज होते हैं। अब आप सोचोगे इसमें कौन सी नई बात है, हजारों वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि 12 हाउसेस के क्या सिग्निफिकेशंस हैं, या आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो सभी हाउसेस के आपको सिग्निफिकेशंस मिल जाएंगे। मगर मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली प्रेडिक्शन के लिए सभी 12 भावों को किस तरीके से देखना है और उनकी इंटरनल जो आत्मा है उसके बारे में हम बात करेंगे। मोटी मोटी बातें हैं, ज्यादातर लोगों को पता ही होती है कि फर्स्ट हाउस इस काम होता है, सेकंड हाउस इस काम होता है, मगर उसकी जो बेसिक कंसेप्ट है उसको मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके बाद मैं कमिंग वीडियोज में लेके आने वाला हूँ, मैं ये बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर भाव का लॉर्ड जब अलग अलग हाउसेज में जाता है तो वो किस तरीके के रिजल्ट देता है। अब जो ये रिजल्ट है ये आपको एस्ट्रोलॉजी में काम आएंगे, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप बुक्स में जो लिखा है वो पढ़ सकते हो या और कोई वीडियो देख सकते हो, मगर मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें आपको थोड़ा कुछ डिफरेंस नजर आएगा। और डिफरेंस इस तरीके से नजर आएगा, मैं उसका भाव का आपको गूढ़ रहस्य बताऊंगा या उसकी आत्मा के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू हो जाते हैं। आप कमिंग वीडियोस को जरूर देखिएगा डिटेल में कि किसी भाव का लॉर्ड किन हाउसेज में जाकर क्या रिजल्ट देता है, वो क्या सिग्निफाई करता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी के लिए। ज्यादातर लोग बड़ी बड़ी बातें हैं तो पता कर लेते हैं और सभी भावों के पता कर लेते हैं भाव किस किस काम आता है, मगर वो मेनली हमें उस भाव से क्या देखना है ये निकल जाता है दिमाग से, इतनी ज्यादा चीजों को हम याद करते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक ज्यादा सिग्निफिकेशंस नहीं बता रहा भावों के, वो ऑलरेडी मैं अपने वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं कि कौन सा भाव किस काम आता है, वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, आज मैं प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट भाव जिसे हम लग्न भी बोलते हैं, ये फर्स्ट भाव है, इसका राशि से कोई लेना देना नहीं, इसमें कोई भी राशि हो कोई भी प्लेनेट हो, जब मैं केवल भाव की तरह देखूंगा तो पहले भाव से मुझे क्या देखना है, देखते ही मुझे नजर आएगा तो आपने फोकस करना है कि इसके बारे में आपको हेल्थ के बारे में जब भी देखना है किसी भी नेटिव का, किसी भी नेटिव से रिलेटेड आप किसी भी इवेंट की बात कर लें, चाहे उसकी आप एजुकेशन देखें, चाहे उसकी मैरिज देखें या उसका प्रोफेशन देखें, तो आपको पहला भाव जरूर देखना है। फर्स्ट भाव एक्चुअल में बताता है आपकी हेल्थ स्वास्थ्य, क्योंकि ये शरीर है, लग्न है, काल पुरुष की कुंडली में सिर है काल पुरुष का, महादेव का, तो ये आपकी हेल्थ के बारे में बताता है, आपके बारे में बताता है कि आपके बारे में आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपकी लुक कैसे होंगे, आपकी इमेज कैसी होगी। तो आपको अपने बारे में या आपको किसी भी नेटिव के बारे में पूरा जानना है तो उसकी लग्न को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लग्न उस पर्टिकुलर पर्सन को सिग्निफाई करती है। तो हम क्या करते हैं, लग्न को देखते ही नहीं है ज्यादातर केसेस में, क्योंकि इसको किसी भी चीज का सिग्निफिकेशन दे ही नहीं रखा है। हम पैसे देखेंगे तो सेकंड भाव देख लेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे तो फोर्थ भाव देखेंगे, मगर आप मेरी आपसे सलाह माने, आप कुंडली में सबसे पहले लग्न देखें, इसके बाद सारी चीजें देखें, क्योंकि यदि पर्सन का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, उसकी पर्सनैलिटी सही नहीं होगी, उसके लुक्स ठीक नहीं होंगे, उसकी इमेज ठीक नहीं होगी, तो सभी भावों के सिग्निफिकेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। आप जैसे रिजल्ट समझ रहे हैं उस तरीके के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आप जब भी कुंडली को एनालाइज करें, नंबर वन पर आप पहला भाव और लग्न को एनालाइज करें, फिर आप कंसर्न भाव को जाकर एनालाइज कर सकते हैं। अब आ जाता हूं मैं दूसरा भाव। तो सेकंड भाव धन भाव भी कहलाता है, आपको हो गए परिवार फैमिली से रिलेटेड होता है, स्पीच से रिलेटेड होता है, क्या हम बोलेंगे, फूड से रिलेटेड होता है, आईज का भी सिग्निफिकेशन होता है, मगर मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ वो आपको ध्यान रखना है, ये सस्टेनेंस हाउस है। सस्टेनेंस का मतलब आप किस तरीके से इस लाइफ में सर्वाइव करेंगे, आगे आपकी कौन कौन सी जो धन की आवश्यकता है, आज के जमाने में सस्टेन करने का मतलब होता है मनी, वेल्थ, बगैर वेल्थ के कोई भी सस्टेन नहीं कर सकता। तो ये हाउस आपका सस्टेनेंस हाउस है कि आप किस तरीके से सस्टेन करोगे लाइफ के अंदर, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी या आराम से आप मैटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जो भी लाइफ का है वो सेकंड हाउस से देखते हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, बाकी चीजों के अलावा इट इज ए सस्टेनेंस हाउस। केवल वेल्थ का मतलब नहीं होता, बहुत 99% लोगों के पास एक्स्ट्रा वेल्थ नहीं होती, मगर सस्टेन सभी लोग कर पाते हैं। तो आप कितना सस्टेन कर पाएंगे, कहां पर जाकर सस्टेन करेंगे, आपकी माली हालत कैसी होगी, वेल्थ कैसी होगी, आपके पास
रिसोर्सेज कौन से होंगे वो सब आपको सेकंड हाउस बताएगा लाइफ में सस्टेन करने के तरीके। तो आप इसको धन भाव समझकर गलती ना करें, ये एक्चुअल में सस्टेनेंस भाव है, जिसे धन भाव समझकर हम गलती करते हैं कि ये कोई धन बताएगा। धन एक पार्ट होता है सस्टेनेंस का, कि हमारे पास धन होगा तभी हम सस्टेन कर पाएंगे। तो नो अनवर्ड्स आप इसे सस्टेनेंस हाउस देखें। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि जी हमारा कोई काम धंधा नहीं चल रहा, हमारे पास एक भी पैसा नहीं है कुछ करने की, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, कोई भी बिजनेस करते हैं लॉस हो जाता है। तो वो आपको सेकंड हाउस से पता चलेगा कि उसकी सस्टेनेंस होगी नहीं होगी, उसको कितनी स्ट्रगल होगी। तो ऑलवेज इसको हम सेकंड हाउस से देखेंगे। तीसरा भाव आता है थर्ड भाव। तो थर्ड भाव नॉर्मली सभी जानते हैं एफर्ट भाव है। तो आप किसी भी काम के लिए लाइफ में सर्वाइव करने के लिए किस तरीके के एफर्ट्स करोगे, ओवरऑल ये ध्यान रखना है। आप लाइफ के सर्वाइवल के जितने भी हिस्से हैं उनमें सभी में जो भी एफर्ट करोगे वो आपको थर्ड भाव से देखने हैं। तो हमारे सर्वाइवल में जो भी एफर्ट है, लाइक वैसे तो एक ब्रदर और सिस्टर को भी रिप्रेजेंट करता है, मार्केटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना है। मार्केटिंग में एफर्ट चाहिए होता है, बगैर एफर्ट के कोई भी मार्केटिंग नहीं होती। कमीशन वगैरह किसी भी तरीके का लेना है वो थर्ड भाव बताएगा आपको। ट्रेवल एजेंट जो होते हैं वो भी कमीशन का काम होता है, वो भी थर्ड भाव बताएगा। फ्रेंचाइजीज वगैरह आपको खोलनी है लेनी है वो भी तीसरे भाव से पता चलेगा, क्योंकि ये भी कमीशन का ही काम है। तो कमीशन से रिलेटेड कोई भी काम है तो आपको ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आज के टाइम पर कमीशन एक बहुत बड़ा बिजनेस है। हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें हमें कमीशन मिलता है, तो कमीशन को कहां से देखेंगे आप? उसको प्रोफेशन से देखने लग गए, आप उसको सेकंड भाव से देखने लग गए तो आप गलती कर रहे हैं। एफर्ट है ही, कमीशन का कोई भी काम बगैर एफर्ट का नहीं होता। आप एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओ, वो आपको जितना मर्जी कमीशन ले ले, वो कितने एफर्ट करता है तब जाके उसके पास एक कोई भी कस्टमर टिकता है। तो जो भी कमीशन एजेंट के काम होते हैं वो एफर्ट वाले काम होते हैं, इसलिए थर्ड हाउस में सभी तरीके के कमीशन आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है थर्ड हाउस लाइफ में एफर्ट का तो है ही, मगर प्रोफेशन में ये कमीशन का हाउस भी है। तो कमीशन जब भी देखना है हम थर्ड हाउस को रेफर करेंगे। फोर्थ हाउस एक्चुअली हाउस है आपका, एक वेयर वन स्टे। कोई भी इंसान कहां पर रहता है उसको बताता है, उसकी हैप्पीनेस एट होम को बताता है। सभी तरह की हैप्पीनेस में एग्री नहीं करता, ये बताता है ये हैप्पीनेस एट होम बताता है। अब बाकी हैप्पीनेस होगी तभी तो आप होम पे हैप्पी होंगे। तो घर के अंदर आपके हैप्पीनेस है या नहीं, आपकी मदर की हैप्पीनेस को भी ये इंडिकेट करता है। आपका डोमेस्टिक पीस, तो डोमेस्टिक पीस होगी तभी आप हैप्पी रहेंगे, उसको भी ये इंडिकेट करता है। और ये वास्तु को भी रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में। जो लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, वास्तु एस्ट्रोलॉजी देखनी है तो फोर्थ हाउस से देखेंगे। आपकी चल और अचल दोनों तरीके की संपत्ति, मूवेबल एंड इनमूवेबल एसेट जो भी है वो देखने हैं तो वो फोर्थ हाउस से देखेंगे। लाइक आपका हाउस, लैंड, कार, व्हीकल एटसेट्रा, सभी कुछ यहीं से देखा जाता है। और मेनली मदर की हैप्पीनेस भी इसी हाउस से देखी जाती है। केवल मदर नहीं देखी जाती इससे, ये तो मदर का भाव है, मगर मदर की हैप्पीनेस, आपने अपने मदर की हैप्पीनेस देखनी है तो वो फोर्थ हाउस से देखेंगे। मदर से रिलेटेड सभी मैटर यहाँ से नहीं देखे जा सकते। मदर से रिलेटेड मैटर देखने हैं तो आपको इस भाव को लग्न मानकर फिर हम मदर से रिलेटेड मैटर्स को देखेंगे, मगर हैप्पीनेस ऑफ मदर, उसकी हेल्थ पर्टिकुलरली फोर्थ हाउस से देखी जाएगी। यदि फोर्थ हाउस आपका एफ्लिक्टेड है तो आप जाकर देख लेना, कभी भी आपकी मदर से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगी। अब हम आ जाते हैं कुंडली के पांचवें भाव पर। अब पांचवें भाव को हम शिक्षा का भाव बोलते हैं पाराशरी के अंदर। केपी वाले लोग फोर्थ भाव को शिक्षा का बोलते हैं, मैं यहाँ पर पाराशरी की बात कर रहा हूँ। तो फोर्थ भाव शिक्षा का मतलब यहाँ पे ऑल काइंड ऑफ लर्निंग, आप जिंदगी में जो भी नई नई चीजें सीखते हैं वो सभी चीजों को पांचवा भाव बताता है। तंत्र मंत्र को भी ये रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। पूर्व जन्म कर्म, हम जो पैदा होते हैं पांचवें भाव से पूर्व जन्म के कर्म लेकर आते हैं अपने साथ में, तो ये हमारा एंट्री गेट है इस लाइफ के अंदर। एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, सभी को मालूम है। चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी मालूम है, मगर एस्ट्रोलॉजी और सभी तरह की रेमेडीज और रिकवरी को भी ये रिप्रेजेंट करेगा, वो इसमें ध्यान रखना है। इट इज ए रिकवरी हाउस। इन्वेस्टमेंट आपने शेयर मार्केट में किया, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट किया, आपका इंटेलेक्चुअल विवेक को रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट में पांचवा भाव। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्वेस्टमेंट को एक्चुअली बारहवां भाव रिप्रेजेंट करता है, मगर आपकी इंटेलिजेंट या विवेक या बुद्धि को रिप्रेजेंट करेगा पांचवा भाव। तो ये विवेक बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है।
इसी तरीके से ये आपकी क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करेगा। फिर आपको कोई डिजीज हो गई तो उसकी आपकी रिकवरी कैसी होगी वो आपको फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करेगा, ये ध्यान रखना है हमें डिजीज की रिकवरी को, क्योंकि सिक्स्थ हाउस इज द डिजीज और उससे बारहवां भाव होने की वजह से रिकवरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास जब भी कोई नेगेटिव आता है तब ठीक होगा, तो हम इधर उधर नहीं देखना है, आपको पांचवा भाव देखना है। पांचवें भाव से पता चलेगा कि उसकी रिकवरी फास्ट होगी नहीं होगी, उसकी इम्यूनिटी कैसी है बॉडी की, वो भी फिफ्थ हाउस बताएगा। यदि फिफ्थ हाउस वीक है तो उसकी रिकवर होने की पावर कम है, इम्यूनिटी बॉडी के अंदर कम है, इस चीज को हम देखेंगे। हेल्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड देखते हैं इससे, जब भी आपका फर्स्ट चाइल्ड की बर्थ हो तो फिफ्थ हाउस आपको देखना है, उसकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। फर्स्ट चाइल्ड होना चाहिए वो, जो भी आपका जीवित फर्स्ट चाइल्ड नहीं, जो भी फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न हुआ है। और रोमांस ये लव का भी भाव होता है पांचवा, तो लव मैरिज के कॉम्बिनेशन में पांचवें और सातवें भाव का कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये मन का कारक होता है, आपका मन कहां पर लगेगा, रोमांस इज द पार्ट ऑफ मन, मन कहां पर लगेगा ये पांचवा भाव बताएगा आपको। तो मैं नॉर्मल सिग्निफिकेशन के अलावा आपको जो मेन पार्ट आपको देखना है वो हम यहां से देखेंगे लाइफ में। अब छठा भाव हम देखते हैं, तो छठे भाव को डिजीज रिग वो ऋण रिपु और रोग तो सब जानते ही हैं, डैड डिजीज हो गया आपका, डिस्प्यूट हो गया, ये तो सभी जानते हैं। मगर इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है ये सर्विसेज और लाइफ में डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। छठा भाव आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है उसको रिप्रेजेंट करता है, आप कितने डिसिप्लिन है। एक सेट रूटीन पे चलते हैं, छठे भाव को देखकर हमें पता चलेगा कि ये पर्सन सेट रूटीन पे चलेगा या ऐसे ही चलता रहेगा। जिसकी लाइफ में कोई भी रूटीन नहीं होता वो छठा भाव उनका बिगड़ा होता है, जिनका छठा भाव सही होता है वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। जैसे वेट गेन नहीं करेंगे, जैसे ही वेट गेन होगा वो पार्क में जाने लग जाएंगे, रेस कर दौड़ने लग जाएंगे, जिससे कि उनकी बॉडी और हेल्थ कंट्रोल रहे। तो हेल्थ को कंट्रोल यदि आपने देखना है, जो भी लोग आपने देखा होगा कि जिनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं होती उनका छठा भाव बिगड़ा हुआ होगा, वो भी एक तरीके की डिजीज है। तो जिनका सिक्स हाउस स्ट्रोंग होता है ऐसे लोग हेल्थ कॉन्सियस होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं लाइफ में, जो भी काम करेंगे बहुत डिसिप्लिन से करेंगे। आपकी सेवा भाव को भी रिप्रेजेंट करता है सर्विसेज को, और ये उसको रिप्रेजेंट करता है जिस मनी को आप हार्ड वर्क से अर्न करते हो। मनी तीन तरह की होती है, एक मनी वो होती है जो आपको वेल्थ मिल गई है फादर से, फोर्थ फादर से सेकंड हाउस, एक मनी वो होती है जो आप प्रोफेशन से अर्न कर रहे हो वो आपका टेंथ हाउस हो गया, मगर जिसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है वो आपका छठा भाव है। तो ये उस मनी को भी रिप्रेजेंट करता है, ये फाइनेंसर्स को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये फाइनेंस रिलेटेड है। सिक्स भाव से रिलेटेड जो सिग्निफिकेशन है, लोन से पैसा कमाएंगे ऐसे लोग, छठा भाव आपको देखना है तो ऐसे लोगों का लोन से पैसे कमाने का, डिस्प्यूट से पैसे कमाते हैं वो लोग इसलिए वो लॉयर होंगे, डिजीज से भी पैसे कमाते हैं इसलिए वो डॉक्टर भी होंगे। तो छठा भाव लॉयर और डॉक्टर का भी होता है, आपके हार्डवर्क की मनी को रिप्रेजेंट करता है, आपके सेट रूटीन को बताता है छठा भाव। तो सिक्स हाउस में हम नेगेटिव सिग्निफिकेशन नहीं देखे, इसका सबसे पॉजिटिव सिग्निफिकेशन है डिसिप्लिन इन लाइफ एंड सर्विसेज। इसी तरीके से जब सातवें भाव में आ जाएंगे तो सभी लोग जानते हैं कि सेवंथ हाउस इज फॉर द मैरिज एंड ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू मैरिज। मगर ये आपका डेली सेल परचेज को भी रिप्रेजेंट करता है लाइफ के अंदर, आप कोई शॉप खोल रहे हो वो रोजाना बेसिस पर कैसी चलेगी, ये आपका सातवां भाव चलेगा। ओवरऑल आपने साल भर का बजट निकाला, इतना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो एक अलग फैक्टर है, मगर डे टू डे बेसिस पर आपका बिजनेस कैसा होगा, रोजाना आप दुकान पे जाओगे तो वो ठीक चलेगी या नहीं चलेगी, इसका लाइफ पर बड़ा असर होता है। आपको एक दिन में बहुत बड़ी कमाई होगी मगर 10 दिन तक आपको कमाई नहीं हो रही तो आपको मेंटल टेंशन रहेगी कि ये कमाई नहीं हो रही है हमारी रोजाना। बिजनेस वो ही सक्सेसफुल माना जाता है जिसके अंदर डे टू डे बेसिस पर वो बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा हो और रोजाना उसके अंदर कुछ ना कुछ आ रहा हो, उस बिजनेस को उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं मानते जिसमें साल में एक दो दिन या 20 दिन कमाई होगी और बाकी दिन आप दुकान पर बैठे हुए हो तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना है प्रोफेशन और बिजनेस का। आपकी डे टू डे जो डेली सेल परचेज है वो आपको सातवें भाव से देखनी है और ये बिजनेस का सेटिस्फेक्शन भी है। इसी तरीके से अल्टरनेट प्रोफेशनल हाउस है, 10 से 10th हाउस है, 10वें से 10वां भाव है, इसलिए हमें जब भी सेटिस्फेक्शन देखना हो, ज्यादातर लोग इसको कंसिडर ही नहीं करते। तो सेटिस्फेक्शन बिजनेस की नीटी ग्रिटीज देखनी हो, बिल्कुल भी माइनूटली किसी भी बिजनेस को हमें एनालाइज करना हो तो हमें सातवें भाव पर भी फोकस करना पड़ेगा। पद प्राप्ति को भी ये रिप्रेजेंट करता है, प्रमोशन जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में,
प्राइवेट सेक्टर में आपको पद प्राप्ति इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एग्जांपल बताता हूँ कि आप पुलिस में इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, एक एसएचओ भी इंस्पेक्टर होता है, दोनों की पोस्ट सेम होती है, सैलरी सेम होती है, सब कुछ सेम होता है, मगर आप एसएचओ और एक नॉर्मल इंस्पेक्टर के बीच का डिफरेंस देख लीजिएगा। अथॉरिटी में इतना ज्यादा डिफरेंस होता है जमीन आसमान का, तो वो जमीन आसमान का डिफरेंस आपका सातवां भाव क्रिएट करता है। ब्यूटी ऑफ योर प्रोफेशन बताएगा ये, सेटिस्फेक्शन इन योर प्रोफेशन बताएगा, प्लेसमेंट इन योर प्रोफेशन बताएगा, कहां पर प्लेस हो आप। और प्लेसमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग्स। आप यदि किसी पावरफुल जगह पर प्लेस हो गए तो आपको थोड़ा सैलरी कम भी मिल रही है तो यू विल हैव द सेटिस्फेक्शन। इसी तरीके से बिजनेस में यदि आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो मगर उसमें साल में 10 या 20 बार आपके पास कोई भी रेवेन्यू आ रहा है तो आप उतने सेटिस्फाई नहीं होंगे। उतना ही रेवेन्यू रोजाना करके आएगा तो यू विल बी मोर सेटिस्फाइड, यू विल बी एंगेज्ड, आपको लगेगा रोज कुछ ना कुछ मैं अर्न कर रहा हूँ। तो इसलिए सेटिस्फेक्शन ये मेन पार्ट है। हम इसमें केवल हस्बैंड वाइफ के बियॉन्ड ज्यादातर लोग जाते नहीं है, हस्बैंड वाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है मगर इसमें पार्टनरशिप और प्रोफेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सेवंथ हाउस। आठवें भाव में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पर आपको देखना है, नेगेटिव 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 हम सारे सिग्निफिकेशंस देखते हैं, ये सुहाग का भाव होता है। किसी भी महिला या लेडीज के लिए सुहाग का भाव होता है तो उसकी जो भी सुहाग और उसके ससुराल का भाव भी होता है। तो किसी भी लेडीज नेटिव के लिए यदि उसका लाइफ में देखना है तो उसके सेकंड भाव से इंपॉर्टेंट उसका सातवां भाव होता है, क्योंकि उसने अपनी मैक्सिमम लाइफ और मेन लाइफ सातवें भाव में गुजारनी होती है। तो किसी भी लेडीज नेटिव की जब भी आप मैरिज से रिलेटेड कुंडली का एनालिसिस करें तो उसका आठवां भाव देखना ना भूलें। आठवां भाव सबसे ज्यादा, मैं आपको जो नई चीज मैंने कहा मैं बताऊंगा, हम उसमें क्या होगा जो नॉन फैक्ट्स हैं वो सबको पता है मगर आपको जब भी कुंडली एनालाइज करनी हो दो लोगों की तो महिला जातक या फीमेल या स्त्री के लिए उसका आठवां भाव देखिए, ये उसके सुहाग का भाव होता है। तो आपने सुहाग देखने हैं तो आठवां भाव ये लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होता है। अलग सिग्निफिकेशन बता रहा हूं मैं, कष्टों का भाव है, पीड़ा का भाव है, एडिक्शन का भाव है। अब आप एडिक्ट होंगे तभी तो ट्रांसफॉर्म होंगे, जो एक किसी भी कोई नशा करेगा वही तो पर्सन नशा करने के बाद ट्रांसफॉर्म होगा, जिसने नशा नहीं किया वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। जिसको कष्ट आएगा वही लाइफ में ट्रांसफॉर्म होगा, उसकी सोच बदलेगी। तो आठवां भाव जिंदगी में आपकी सोच बदलता है, आपको लाइफ के और करीब लेके जाता है, आपको प्रैक्टिकलिटी के और करीब लेके जाता है, कष्टों को सहने की कैपेबिलिटी भी यही भाव देता है और कष्टों को इग्नोर करने की कैपेबिलिटी भी आठवां ही भाव देता है। तो आठवें भाव का जो सबसे दो मेन सिग्निफिकेशन है, एक तो आपका सुहाग और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ। अनअर्न मनी इसी से आती है, जो भी दो नंबर का पैसा है अंडर टेबल मनी जो आएगी वो इसी से आएगी, इनहेरिटेंस जो आएगी वो इसी से आएगी। तो उसके लिए एक सिंगल सेंटेंस है, अनअर्न मनी, जो पैसा आपको कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वो आठवें भाव से आएगा, वो चाहे लीगल हो या इलीगल हो। इलीगल तो आपका अंडर टेबल मनी होगी और लीगल आपकी सपोज इनहेरिटेंस से कुछ भी पैसा हो गया। सडननेस इन लाइफ को ये रिप्रेजेंट करेगा, अच्छी और बुरी दोनों तरीके की सडननेस। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत ठीक ठाक जा रहा है और अचानक ही कुछ भी खराब हो सकता है, आठवां भाव। सब कुछ बहुत खराब जा रहा है और अचानक ही अच्छा हो सकता है, वो आठवां भाव है। लॉन्जेविटी और क्रॉनिक डिजीज को तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये तो सब लोग जानते ही है, मगर इसका जो मेन दो सिग्निफिकेशन आप याद रखेंगे आज के बाद वो होता है सुहाग और ट्रांसफॉर्मेशन। नवा भाव सबको मालूम है, फादर का होता है, भाग्य का भाव होता है, इसके अलावा गुरु का भाव होता है, हायर लर्निंग का भाव नवा भाव है। आठवें भाव में मैं बताना भूल गया, ये आपकी ऐसी रिसर्च को बताता है जिसे कोई भी न कर रहा हो, गूढ़ रहस्यों को बताता है, ओकल्ट साइंस एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी आठवें भाव में ही आती है। तो नवा भाव बताता है आपका हायर रिसर्च नॉन रिसर्च होगी, कोई पीएचडी करने जा रहा है, हायर एजुकेशन करने जा रहा है और फॉरेन में जा रहा है तो नाइन्थ हाउस से देखेंगे, क्योंकि ये फॉरेन ट्रेवल को भी रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग ट्रेवल को नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपने एजुकेशन देखनी है तो फिफ्थ से फिफ्थ अल्टरनेट हाउस है ये। प्रोजेनी देखनी है संतान में, आपको यहाँ पे एक रूल बता रहा हूँ, किसी भी भाव का पहला जो होता है वो फर्स्ट भाव रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी भाव रिप्रेजेंट करता है सेकंड इवेंट को उससे तीसरा भाव, थर्ड इवेंट को तीसरे से तीसरा भाव। तो पहली संतान पांचवें भाव से, दूसरी संतान सातवें भाव से, इससे तीसरा, और तीसरी संतान नौवें भाव से रिप्रेजेंट की जाती है। इसी तरीके से आपकी फर्स्ट वाइफ फ्रॉम
सेवेंथ हाउस सेकंड वाइफ इज थर्ड फ्रॉम दिस, नाइन्थ हाउस थर्ड वाइफ यदि किसी की है तो वो इलेवेंथ हाउस से देखते हैं। इस तरीके से हम इसे देखेंगे। अब इसमें नवे भाव में फादर गुरु आ गया, लर्निंग आ गया, लॉन्ग ट्रेवल को भी रिप्रेजेंट करता है, हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, फर्दर ये भी आपका रोमांस को भी रिप्रेजेंट करेगा, एडवाइस को भी रिप्रेजेंट करेगा। रोमांस को क्यों रिप्रेजेंट करेगा? फिफ्थ का अल्टरनेटिव हाउस है, फिफ्थ का अल्टरनेटिव हाउस है, गाइडेंस को रिप्रेजेंट करता है, गुरु का भाव है, पिता का भाव है, तो ये गाइडेंस को रिप्रेजेंट करता है। महिला जातक के केस में, स्त्रियों के केस में नवा भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका भाग्य स्थान बली होगा, स्ट्रांग होगा, तभी उसके ससुराल में भाग्योदय होगा। तो जिन भी महिलाओं का नाइन्थ हाउस स्ट्रांग होता है वो उनको उनका ससुराल में मैरिज के बाद उसके हस्बैंड का भाग्योदय होगा, ऐसा समझ सकते हैं। तो जब भी पुराने टाइम में कुंडली देखा करते थे तो नवे भाव को हम जरूर देखा करते थे, और उसमें लेडीज जातक के लिए कि वो जिस ससुराल में जहां पर जाएगी वहां पर उसके आने के बाद क्या चेंजेस होंगे। तो नाइन्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दसवें भाव को आप कर्म के नाम से जाने, बस प्रोफेशन नहीं, नौकरी के नाम से नहीं जाने। नौकरी और कर्म एक ही, कर्म नौकरी उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जिंदगी में हम केवल नौकरी से जिंदा नहीं रहते, हमारे सभी कर्मों पर बेस्ड हमारी चीज होती है। प्रोफेशन या नौकरी या व्यापार उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। तो दसवां भाव कर्म का होता है, सभी तरीके के कर्म कांड। आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो, सोशल सर्विस आप कैसी कर रहे हो, आपका नेम और फेम क्यों होता है दसवें भाव से, क्योंकि आपके कर्मों से ही होगा वो। इसको लोग नेम और फेम का भाव बोलते हैं, मगर नेम और फेम और क्या होता है, आपका स्टेटस क्या होता है सोसाइटी में, आपके कर्मों पे बेस स्टेटस होगा। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आपका स्टेटस खराब होगा। पॉलिटिशियंस को भी हम दसवें भाव से ही देखते हैं, पॉलिटिक्स को, और गवर्नमेंट को भी हम दसवें भाव से ही देखते हैं। जब भी गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके मैटर होंगे उसको देखने के लिए आप कुंडली के दसवें भाव में एंटर हो जाओगे। तो सभी धर्म एवं कर्म कांड जो होते हैं हमारे सनातन धर्म के अंदर जो भी रिचुअल्स होती हैं वो सब दसवें भाव से देखी जाती हैं। हम हमारे फोर फादर्स के लिए, पूर्वजों के लिए जो कर्म कांड करते हैं वो भी दसवां भाव ही रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी जिंदगी में जितने भी तरीके के आप कर्म करोगे, रिलीजियस कर्म या जैसे भी कर्म है, वो सब दसवें भाव से देखे जाते हैं। उसमें प्रोफेशन उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो दसवें भाव को प्रोफेशन का भाव बोलकर आप गलती करते हो, ये कर्मों का भाव है एक्चुअली। अब ग्यारहवें भाव में आ जाते हैं तो ये सभी तरीके की गेन, सभी तरीके के लाभ को रिप्रेजेंट करता है, आपके सोशल सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, यारों को दोस्तों को रिप्रेजेंट करेगा, आपके रिश्तेदारों को रिप्रेजेंट करेगा, आपकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेगा, एनजीओस को भी यही रिप्रेजेंट करता है, क्लब वगैरह में जो लोग जाते हैं वो भी ग्यारहवां भाव ही रिप्रेजेंट करता है, आपके पूरे फ्रेंड सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, आपकी डिजायर्स को रिप्रेजेंट करेगा लाइफ में। मेन है ये डिजायर एंड योर बिहेवियर। इलेवेंथ हाउस बताएगा डिजायर एंड योर बिहेवियर, इन बिहेवियर इन व्हाट वे। आप देखते हो बहुत लोग बहुत मिलनसार होते हैं, वो बिल्कुल मिलनसार नहीं होते। बहुत लोग यार दोस्तों में रहते हैं, बहुतों का एक भी यार दोस्त नहीं होता। बहुत लोग रोज क्लब में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं सभी तरीके की, वो ये कार खरीद लें, बड़ी कार खरीद लें, बड़ा मकान ले लें, ये सभी तरह की इच्छाएं होती है और उनके लिए हम काम करते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर यदि डिजायर नहीं होगी तो प्रोग्रेस भी नहीं होगी, एम्बिशंस नहीं होंगी तो हम प्रोग्रेस करेंगे ही क्यों। तो ये एम्बिशंस का भाव होता है ग्यारहवां भाव। तो किसी भी नेटिव की यदि आपको एम्बिशन देखनी है और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देखना है तो ग्यारहवें भाव से देखेंगे। ग्यारहवां भाव यदि उसका किस तरीके का है, यदि वो स्ट्रांग है तो ऐसे पर्सन के अंदर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, उसकी एम्बिशंस बढ़ती चली जाएंगी, एक पूरी होगी, इच्छा पूरी होती जाएंगी, ऐसा नहीं है नहीं होंगी, मगर एक पूरी होगी, दूसरी इच्छा हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी इच्छा हो जाएगी, तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम होगा, अचीवमेंट ज्यादा होंगे, उसको गेन ज्यादा होगी, मगर गेन होने के साथ साथ उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा और वो सेटिस्फाई नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, इच्छा पूर्ति का भाव है जरूर है, मगर इच्छाओं को बढ़ाने का भाव भी है जिसको हम एम्बिशंस बोलते हैं। तो इसमें ये अच्छे से ध्यान रखें, इलेवेंथ हाउस स्ट्रांग है तो आपको लाभ होगा, गेन होगा, मगर आप कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे लाइफ के अंदर, इसीलिए इसको अशुभ भाव भी बोला जाता है, शुभ भाव नहीं होता ग्यारहवां भाव। अब बारहवें भाव को हम सब लोग बीमारी का भाव बोल देते हैं, मगर बारहवां भाव सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर का भाव बोलते हैं इसे, खर्चों का भाव। ग्यारहवां भाव लाभकार, बारहवां भाव व्यय भाव या एक्सपेंडिचर भाव है, मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव है इन्वेस्टमेंट भाव। इन्वेस्टमेंट बारहवें भाव से करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके का खर्चा है। पैसा जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो लौट के आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता,
आपने शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए, डूब भी सकते हैं, इसलिए ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। अब गेन होगी वो डिपेंड करेगा आपका पांचवा भाव कितना स्ट्रांग है और क्राइटेरिया कितने स्ट्रांग है, आपने विट या विवेक अपनी इंटेलिजेंस लगाई या नहीं इन्वेस्टमेंट के बाद। तो इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोग पांचवे भाव से देखते हैं, बहुत सेकंड से देखते हैं, मगर आप बारहवें भाव को इन्वेस्टमेंट का भाव मानकर चलेंगे। अब सभी चीज सभी खर्चे एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट होते हैं, आप ध्यान से समझ लें। आप अपनी वाइफ या हस्बैंड को एक गिफ्ट लाकर देते हैं, वो खर्चा है मगर वो इन्वेस्टमेंट भी है। वाइफ खुश होंगी ये भी इन्वेस्टमेंट है, हस्बैंड खुश होंगे ये भी इन्वेस्टमेंट है। आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट है मगर वो खर्चा भी है, यदि लॉस हो गया तो आप चले गए, जुआ हो गया एक तरीके का। इसी तरीके से हम जिस भी तरीके के एक्सपेंसेस जो भी करते हैं, इट इज ए वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। चाहे आप घर की डे टू डे चीजें खरीद कर लेकर आ रहे हैं, आप घर के लिए उसके बेटरमेंट के लिए कुछ भी खरीद कर लेकर आ रहे हैं, तो वो खर्चा तो आपका हुआ मगर वो इन्वेस्टमेंट भी है, उसकी वैल्यू बन गई। दूसरी तरफ यदि आपने दिमाग से खर्च किया है, आपकी कुंडली अच्छी है, तो वो आपके घर के अंदर वेल्थ क्रिएट करेगा। आप आपका हाउस है और वो खराब है बाहर से, तो उसकी जो भी कीमत है उसमें आप पैसे खर्च कर दीजिए चारों तरफ से, रिपेयर पे, मेंटेनेंस पे, तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ भी सकती है जो आप इन्वेस्ट जो भी खर्च करोगे उसके कंपैरिजन में। तो हर एक तरीके का खर्चा इन्वेस्टमेंट है। आपके बच्चों को आप फॉरेन पढ़ने भेज देते हो, करोड़ों रुपए लाखों रुपए जो भी खर्च करते हो, तो वो आपका उस टाइम खर्चा हुआ मगर वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बदले में वो बहुत ज्यादा रिटर्न आपको देने वाला है। तो बारहवें भाव को जो लोग एक्सपेंडिचर ही मानकर चल लेते हैं, व्यय मानकर चलते हैं, वो गलती करते हैं, एक्चुअल में ये इन्वेस्टमेंट भाव है। बाकी तो पनिशमेंट है, जेल है, आपका आइसोलेशन है, कन्फाइनमेंट है, तो सब होता ही है बारहवें भाव से, क्योंकि आप फॉरेन चले जाओगे तो आप कन्फाइंड हो ही गए अपने आप में, आपके वहां मिलने जुलने वाले नहीं होंगे, आपका वहां पर फ्रेंड सर्कल नहीं होगा, तो ये सारी चीजें तो होने वाली हैं। और बारहवां भाव है लग्न से, इसलिए ये लग्न को परेशान भी करेगा, हॉस्पिटलाइजेशन को भी रिप्रेजेंट करेगा, वो सारी चीजें होंगी। मगर मैंने आज जो आपको इस वीडियो में बताया है वो इन सभी भावों की आत्मा को आपको बताने की कोशिश की है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, कुछ कमी है तो भी बताएंगे, और आपको अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक और शेयर करने की कोशिश करेंगे। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाले दिनों में जो भी चीजें मैं लेकर आऊंगा वो आपके पास एज इट इज टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, और आप एस्ट्रोलॉजी को केवल मेरे वीडियोज को सुनकर अपडेट होते रहें। नमस्कार।